नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पासपोर्ट नंबर से अपना मोफा कैसे चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपका मोफा हुआ है या नहीं हुआ है। आपको वीज़ा नंबर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी मोफा चेक करने के लिए। मैं आपको पासपोर्ट नंबर से ही चेक करके बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने पासपोर्ट नंबर से ही ये चेक कर सकते हैं कि आपका मोफा अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। वो मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे वही पुरानी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ़्लाइट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीज़ा स्टाम्पिंग से रिलेटेड, ट्रेवल से संबंधित ज़रूरी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। इसलिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों आपको मोफा चेक करने के लिए चलना होगा इंजाज इट की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये वेबसाइट थोड़ी बड़ी है, काफ़ी झमेले वाली वेबसाइट है, इसलिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेन वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो घूमनी खा जाएंगे, क्योंकि ये वेबसाइट काफ़ी जटिल वेबसाइट है, तो इसलिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और सीधे जहाँ से मोफा चेक करना होता है उसी पेज पर मैं पहुंच चुका हूं, तो जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में आप उसको क्लिक करिएगा, उसके बाद आप चेक कर सकते हो। तो ये यहां पर आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना पड़ेगा, तो ये पासपोर्ट नंबर मैं इंटर कर देता हूं, उसके बाद चेक करता हूं। तो यहां पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है सबसे पहले वाले कॉलम में जहाँ पर मांग रहा है आपसे पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पर मैं पासपोर्ट नंबर इंटर कर दे रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर इंटर करने के बाद सेकंड में मांग रहा है करंट नेशनलिटी, यानी आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो इसको मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वीज़ा टाइप क्या है, तो वीज़ा टाइप में वर्क वीज़ा है, तो इसलिए वर्क वीज़ा इसको सेलेक्ट किया जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी क्या है। इंडिया में दो ही जगह वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी होता है, एक दिल्ली एक मुंबई, तो मोस्टली मुंबई होता है, तो यहाँ पर मैं मुंबई सेलेक्ट करता हूं, तो इसको मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने वीज़ा पर देख लीजिएगा कि मुंबई है या फिर दिल्ली है, तो बहरहाल मुंबई अधिकतर वीज़ा पर होता है, तो इसको मुंबई मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मुंबई सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो कैप्च दिख रहा है, कैरेक्टर दिख रहा है, इसको आपको टाइप कर लेना है, तो इसे भी मैं टाइप कर लेता हूँ, फिल कर देता हूँ इसे। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इनका अभी मोफा हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों चैनल पर आप लगातार बने रहिए हमारे, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। मैंने इसी चैनल पर आप बनाया हुआ है कि सऊदी का वीज़ा कैसे चेक करेंगे, असली है या नकली है, वीज़ा अभी तक स्टाम्प हुआ या नहीं हुआ, इमिग्रेशन हुआ या नहीं हुआ है, तमाम वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको चेक करता हूँ। इसको सारी चीज़ें करने के बाद आपको सर्च करना है, तो इसको मैं सर्च करता हूँ, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम आपको नहीं बोलना है, मैंने ऐसे ही बोल दिया है। चलिए ये आ गया है, इन जनाब का मोफा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही मोफा नंबर है, इनका मोफा हो चुका है। ये डेट कौन सी है, 15 फरवरी 2022 को इनका मोफा हुआ है। इनके स्पॉन्सर का नाम यानी कंपनी का, या जिसको कफ़ील आप बोल सकते हैं, इसका नाम आ जाता है यहाँ पर, ये अरबी में है। आप इसको ट्रांसलेट करके गूगल पर देख सकते हैं कि इनका क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है। इसके अलावा आपका नाम आ जाएगा, आपका वीज़ा नंबर, वीज़ा सबमिशन किस डेट में हुआ है, इसके अलावा आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, आपका फ़ोटो आ जाएगा मोफा पर। तो ये इस तरीके से दोस्तों आप पासपोर्ट नंबर से अपना मोफा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा।